बात करते हैं, पोस्टर में आप एक श्रवण कुमार के रूप में दिख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का किरदार होगा आपका? किरदार कुछ ऐसा है कि वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहूँगा मैं। आपसे जानना चाहेंगे स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज की गई फिल्म के लिए, क्योंकि कॉमेडी फिल्म है? जी नहीं, ये कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये सब ये एंटरटेनिंग एक मनोरंजक फिल्म है जिसमें सब तरह के शेड्स हैं, सब तरह का फिल्म है। इसमें कॉमेडी भी है, इमोशंस भी है, काफ़ी अच्छी बात भी, मतलब रोमांस भी इतना ही है फिल्म में, तो सबका तड़का है। फिल्म की कहानी की बात करें तो किस तरह की कहानी होगी? ये एक पारिवारिक फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है जी। हाउ डू यू डिफाइन द मॉडर्न डे श्रवण? वेल, यू नो, सैडली आई फील मे बी टुडेज यंगर जनरेशन डजंट नो टू मच अबाउट श्रवण कुमार जी। He was considered to be, in our culture, the ideal son who took care of his parents. और उन्हें चार धाम वो उन्होंने ले गए थे कावड़ से। I think in the modern day context, it's a metaphor. तो I think Umesh is trying to show that how we as children should try and do more for our parents. That is one of the main themes in the film. Well, it's difficult to say what is the best thing. The goodness of the script lies that there is a different relationship of a father and son, of a husband and a wife, about lovers in the film, and how they all merge into one film, and that's what the film is all about. इन्होंने हिंदी वर्जन बोला है इसका। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी बहुत सशक्त है और इसमें जो हम बात कह रहे हैं वो बहुत अहम है, और आई थिंक बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, और इस वजह से कि हमें ऐसी कहानी कहनी चाहिए, हमें अपने वैल्यूज़ वापस लाने चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि ये फिल्म का हिस्सा बनने में आई विल बी वेरी प्राउड। सो आपने खुद ही जवाब सवाल में जवाब कर दिया कि वी हैव बीन गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। यस, वी हैव गुड रिस्पॉन्स फॉर इट, वी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वी हैव ट्राइड टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। एंड आज की तारीख में एक सामाजिक फिल्म जो कि एक चीज़ एक अच्छी चीज़ बोलना भी चाह रही है, लेकिन उसको हमने मनोरंजन में घोल के बनाया हुआ है, ये नहीं कि हम कोई प्रीच करे या कोई उस पर भाषण दे, वो नहीं वाली बात है। और एक अच्छी सामाजिक फिल्म है, नीट एंड क्लीन फैमिली फिल्म है, व्हिच आई थिंक विल बी एंजॉयड बाय ऑल। द रिस्पॉन्स हैज बीन फॉर मी पर्सनली वेरी ओवरवेलमिंग, वट एवर वी एक्सपेक्टेड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज बीन मच मोर देन वट आई एक्सपेक्टेड ऑल्सो। सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी थैंकफुल। I hope they have the same feeling once they see the film. As Chintu Uncle said, we've tried to make a good quality film, a film which is talking about issues which need to be discussed. The message of the film is something I believe in very strongly, and I hope that that message is conveyed to our viewers as well. So I'm very happy. In the promos, we can see that Chintu, Rishi sir, has been like very disturbing you, like. जी. जॉब विच इज टू एक्ट, वॉट आर रिलेशनशिप इज इन रियल लाइफ इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। We have to enact our characters. The two characters that we have in the film are of a father and son, जिनके बीच में बनती नहीं है, झगड़ा करते रहते हैं, मुझे लगता है कि he troubles me a lot, इन्हें लगता है कि I trouble him a lot. So you see those shades that you know that banter keeps going on throughout the film. But at the end of the day, like I said, we're actors, and the job you're given, you have to perform in front of the camera. You cannot bring your personal life in front of the camera. Personally, I love him. You know, he's like a father to me. I'm a huge fan of his,
but I cannot bring that in front of the camera because that is the complete opposite of what I meant to play with him in the film. Rishi sir, you've been working with his father all the time. So what difference you can see between Amitabh Bachchan sir and Abhishek's working? ये बड़ा unfair question है. मैंने तो बच्चन साहब के साथ पांच फिल्में की हैं. ये तो सिर्फ हमारी सिर्फ दूसरी फिल्म है. और बनाएंगे हम लोग भी बनाएंगे चिट्टोंग मालिक चाहे मालिक चाहे हम तो क्या 5 से 50 बच्चे रोल बनाएंगे. लेकिन बहरहाल जब हम इस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे हमने अपना किरदार निभाया जो भूमिका हमने हमें मिली है हमने वही निभाई है. हमने कोशिश की है कि कलाकार की हैसियत से हम कुछ मनोरंजन आपकी तरफ पेश आए. तो यही सिलसिला रहा था जब बच्चन साहब के साथ मैं फिल्मों में काम करता था. अब जूनियर बच्चन साहब आ गए हैं तो मैंने यही कोशिश की है उसने भी वही कोशिश की है कि हम एक बेहतरीन पिक्चर बनाएं एक मनभावन पिक्चर बनाएं जो लोगों को पसंद आए जो फैमिलीज को पसंद आए. एक हंसी खुशी फिल्म है जिसमें कोई एक पारिवारिक मैसेज है और आप लोगों को उसका मजा लें. ऐसा है कि अभिषेक अब ये सामने बैठे हैं तो उनकी तारीफ मुंह पे तो करनी नहीं चाहिए लेकिन चूंकि कैमरा के सामने हैं तो मुझे और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. अभिषेक की खुद की छाप है भाई. आप बस बात भूलिए कि इनके जो माता पिता हैं उनकी कितनी बड़ी हैसियत है. वो कितने बड़े महान कलाकार रह चुके हैं और हैं भी अभी भी. और इस बेचारे को छोड़ दिया तो इसने अपनी खुद छाप बनाई है. मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उसकी पिक्चर जो बनाई थी इसने बोल बच्चन. हम अभी वही सुप्रिया जी और मैं वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग वो फिल्म के बारे में. खैर बहरहाल ये कहना है कि अभिषेक ने अपनी खुद छाप बनाई अपनी खुद की आइडेंटिटी है. वो खुद अपने अपनी हैसियत से एक कलाकार है और बड़ा बढ़िया काम कर रहा है. आप इसे फिल्म में देखिएगा बहुत बेहतरीन काम किया उसने. अब पता नहीं चढ़ा चढ़ा के तो ऐसा क्या बोल देना बट इज अ मार्वेलस जॉब. इसे उन्हें बहुत अच्छा लगा था. He thought it was very interesting. I can't hear you. I was a big fan of Rishi ji. You were, you're not anymore. Still. Okay. But the thing is that he being an actor and a host, what is the best thing you feel about Rishi ji as an actor? I think I'm not qualified to talk about his craft. I'm not in the same level as him to talk discuss craft, which is evidently on the highest level that it can be. The thing I admire about him the most, and I hope that I'm still around, you know, when I'm his age and I still have the opportunity to make films, is his enthusiasm and love for what he does. Yes. Despite doing it for so many years, day in, day out, he comes on set and it's like the first day he's ever shot a film in his life. And that is infectious. You know, I'm a much junior actor to him. And sometimes I feel ki yaar, look at the dedication and the passion, the passion with which he does his work. That's superb, superb. And that's one of the, I really believe that is one of the main reasons why he is the legend he is today. You know, he still doesn't treat himself like, I'm Rishi Kapoor. I've been doing this for over 45 years. कोई प्रॉब्लम नहीं यार. ही स्टिल हंग्री. ही स्टिल वॉन्ट्स टू डू बेटर. ही स्टिल वॉन्ट्स टू इम्प्रूव. ये नहीं कि अभी देर हो गई अभी चलो यार अभी मैं घर चलता मैं थक गया. नो, इफ द सीन इज नॉट राइट ही विल वर्क टिल ही गेट्स इट राइट. एंड आई फील एज अ को एक्टर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैवंट डन इट वेरी ऑफन इज दैट ही स्टिल गिव्स द अदर एक्टर ऑल्सो the same kind of an opportunity, you know. He doesn't pull rank. Yeah, he doesn't. And on the contrary, if you feel that you want to do it again, he's willing to do it for you, which is, I think, very, very great. Wait, ये इनके शब्दों के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ. ये मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, but ऐसा है कि हम सब की कोशिश होती है कि हम अपना काम सही करें और आप लोगों को पसंद आए. कभी कभी काम ऐसा भी हो जाता है कि हम अच्छा करते हैं और कभी फिल्म उतनी आपकी थिंकिंग के बराबर नहीं होती है. लेकिन हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी क्योंकि हमने बड़ी उचित पिक्चर